अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अस्मा सलमान उमर और मैं मरहम की तरफ से आप लोगों के सामने एक और टॉपिक लेकर मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर उमर मुश्ताक मौजूद हैं। और आज का जो हमारा लाइफ सेशन है उसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड भी हैं, इस वजह से क्योंकि ये एक हम ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई अनऑथेंटिक तरीके से या टोटकों के ज़रिए या मतलब इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को मतलब मज़ीद मुश्किल बना लेते हैं। तो उस उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए और इन कॉमन प्रॉब्लम्स को जो कि हमारी स्किन ब्यूटी या हेयर के मामलात में हम फेस करते हैं उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन लेके देंगे एक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। ये किंग एडवर्ड में पढ़ाते हैं डर्मेटोलॉजी और आज हमारी ऑडियंस को भी पढ़ाएंगे कि अपना ख्याल कैसे रखना है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और गाइस, अब आप लोग वो सारे सवाल जिनके क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं या उनको फेस कर रहे हैं फॉर यू नो सम टाइम, आप इस लाइव सेशन के दौरान हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको यहाँ पर लाइव उनके आंसर्स दे रहे होंगे। तो और प्लस ये कि जो हमारे पास मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आए हुए हैं और इवन कि मैं अभी आ रही थी तो भी मुझे मैसेज पर भी आए हुए थे कि भाई आप डॉक्टर साहब से ये ज़रूर पूछना, तो वो हम अभी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। मैं एक थोड़ा सा चीज़ और बताती चलूँ कि जो मरहम का प्लेटफॉर्म है, इट व्हाट इट एक्चुअली डज, जो लोग पहली दफ़ा ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं कि हम आपकी सेहत और आपकी जो हेल्थ एंड वेलनेस का जो सिस्टम है पूरा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आपको डॉक्टर चाहिए या सेहत से मुतल्लिक किसी भी मसले की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप marham.pk पे रब्ता करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अब हम अपना प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले उस सवाल से स्टार्ट करूंगी जो मैंने सारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सुना है, वो ये है कि भाई मेरे गोरे रंग का राज क्या है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या आपका रंग गोरा हो जाता है या मैं ऐसा क्या लगाती हूँ अपने मुंह पर या वो क्या लगा सकते हैं कि इट कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। सो गोरे रंग से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अस्मा, थैंक यू आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका दिया और आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई लवली कंट्री, माई लवली पीपल एंड आई ऑलवेज लव टू सर्व ईच एंड एवरी वन। तो ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, इट इज़ अनडाउटेडली वेरी पर्टिनेंट बिकॉज इन माई एवरी डे प्रैक्टिस बहुत से लोग आके मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं और मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि इवन बहुत बहुत गोरी खवातीन भी आके ये कह रही होती हैं कि हमें मजीद गोरा होना है। तो उसमें ये होता है कि देखें, मैं सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा कि जो नेचुरल, जो एक नेचर है, जो नेचर ने आपको बनाया है, आप नेचर का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो एक नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरल है ही। लेकिन अब हमारे पास चूंकि बहुत ज़्यादा विद एवरी पासिंग डे इतनी रिसर्च हो रही है इस चीज़ पर, इतना ज़्यादा इस पर वो हो रहा है, बेसिकली बॉडी का कलर जो डिफाइन होता है वो मेलानिन, एक पिगमेंट अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखा है जिसको मेलानिन बोलते हैं। तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो डिफाइन करता है कलर को। अब क्या ऐसी हमारे पास मोडालिटीज हैं जिनसे मेलानिन पिगमेंट को कम किया जा सकता है? डेफिनेटली मेलानिन पिगमेंट को जब हम कम करेंगे तो रंग जो है टूवर्ड्स डार्कर से लाइटर टोन की तरफ जाएगा। उस मेलानिन पिगमेंट को कम करने के लिए हमारे पास कुछ लेज़र्स हैं। अब हम जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ये था कि ग्लूटाथायोन थेरेपी, इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन का बहुत एक वो था, और ग्लूटाथायोन मीजोथेरेपी, जैसे कि आपने अगर सिर्फ फेस को कट कर रहे हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट एक नीड होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ फेस को कट करवाना है, कुछ लोग चाहते हैं कि हेड टू टो हमारी बॉडी की टोन लाइट हो जाए। तो मतलब अब ऐसे प्रोसीजर्स बन गए हैं कि आप मतलब अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज करा सकते हैं? बिल्कुल चेंज, ऑल टुगेदर चेंज, एक्चुअली बहुत फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं या ये एक सेफ प्रोसीजर है? देखिए, जो तो सिर्फ फेस को जिसमें आपने एड्रेस करना है, जिसमें आपने लोकल मैकेनिकल प्रोसीजर्स करना है, वो ऑपरेटर डिपेंडेंट प्रोसीजर्स होते हैं। In safe hands, you are absolutely safe. A person who is expert in those procedures, definitely वो उसमें जो है बहुत अच्छा result दे सकता है without any side effect. जहाँ तक बात आ जाती है injectable intravenous glutathione injections की, जो veins में inject करते हैं,
जिसको जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी बॉडी के लिए उसको कैटर करना होता है, उसमें बहुत एक तो फैक्टर्स जैसे आपकी बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी के टेस्ट, ये नॉर्मल होने चाहिए क्योंकि उसने एक्सक्रीट होना बॉडी से, उस ग्लूटाथायोन वैसे नॉर्मल आपकी बॉडी भी बना रही है। ग्लूटाथायोन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इट इज अ नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट इन योर बॉडी। हमारे पास तो सर बहुत ज्यादा सवाल भी आते जा रहे हैं, आपने बस जल्दी जल्दी इनको थोड़ा थोड़ा बताने। तो उसमें ये है कि हमने इसको इस तरह से कैटर करना होता है कि ग्लूटाथायोन, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, योर जेनेटिक्स, योर बेसलाइन कॉम्प्लेक्शन, बट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेनी ऑप्शंस जिनसे हम इस चीज को कैटर कर सकते हैं। बेहतरीन है। अच्छा, मैं आप साथ साथ थोड़े से सवाल भी लेती जाऊंगी यहाँ से। और पहला सवाल है हमारे पास कि पीसीओएस की वजह से हेयर फॉल होता है, उसका बता दें। ऑफ कोर्स होता है। और पीसीओएस का एक मतलब पीसीओएस मैं जब आप ये बता रही होंगी, आप थोड़ा सा साथ में ये बता दीजिएगा कि जो पीसीओएस का इफेक्ट होता है फेशियल ग्रोथ में या फॉल में, उसके लिए क्या किया जा सकता है। सो ऑल द पीपल हु आर यू नो सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, इस चीज को फटाफट ध्यान से नोट कर लें। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इट्स ऑनेस्टली वेरी कॉमन दीज डेज। और मैं आजकल अपनी आउटडोर प्रैक्टिस में किंग एडवर्ड में, मेयो में, इवन चुखताई मेडिकल सेंटर जहाँ पे DHM में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे बहुत मेरे पास फीमेल्स आ रही है इस डिजीज़ के साथ। इसकी कॉजेज में बहुत चीज़ें हैं, जैसे एक्सोजेनस स्टेरॉयड, कोई भी हम ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें स्टेरॉयड इस्तेमाल होता है, वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारे हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोनल बैलेंस को इम्बैलेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे डेफिनेटली अब अल्लाह ताला ने मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर, मेल्स के अंदर फीमेल हार्मोन्स भी रखे हैं और फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन्स भी रखे हैं। डिफरेंस ये होता है कि फीमेल्स में फीमेल हार्मोन्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है और मेल्स की कम होती, मेल हार्मोन्स की कम होती है। लेकिन मेल्स के अंदर मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है। जब ये बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है और फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना शुरू हो जाए, प्रोलैक्टिन, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल्स को, फीमेल्स मतलब टोटल एक टेक्सचर और टोटल सारे करेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो उसका इम्बैलेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें ओवरीज के अराउंड सिस्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं जो अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोज करते हैं और हार्मोनल एसेस कराते हैं, जिससे हार्मोनल हमें पता लग जाता है कि इम्बैलेंस हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, अब डेफिनेटली जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, आपने अक्सर ये देखा है कि मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस ज्यादा होता है और फीमेल्स में इतना नहीं, मतलब अब जब वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, यानी कि वो फीमेल में मेल पैटर्न हार्मोन्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इट्स ऑब्वियस कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो मेल पैटर्न की तरफ जा रहा है। और जैसे मेल्स में बियर्ड होती है, बाल होते हैं यहाँ पे, ऐसे जब वो हार्मोन ज्यादा होगा तो फीमेल्स में वो बियर्ड आना शुरू हो जाएगी। तो इट इज बेसिकली एन इम्बैलेंस दैट इज क्रिएटेड बाय हार्मोन्स। अब हमने करना ही होता है, उसके लिए करना ही होता है कि खाली थेरापूटिक मोडालिटीज पे नहीं जाना, यानी कि आप अगर ये करना शुरू कर दें कि बालों के लिए सिर्फ लेजर कराना शुरू कर दें, सर के लिए आप थेरेपीज कराना शुरू कर दें और हार्मोन्स को कैटर ना करें, कॉज को, जो रूट कॉज को सॉल्व ना करें, तो वो कैसे फिक्स होगा? तो वो फिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसमें ट्रीटमेंट अप्रोच इज दैट आपके पास ये दो चीजें, हमने दोनों को इकट्ठा लेके चलना, आपने हार्मोन्स के साथ साथ उन दोनों को ठीक करना, यानी कि आपने सारी मोडालिटीज, सारी मैकेनिकल मोडालिटीज जैसे लेजर हेयर रिमूवल, उसके लिए तो आपने करना है, लेकिन हार्मोन्स ऑन द अदर साइड वो आपने उसके लिए स्पेसिफिक थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, दैट इज नोन एज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड इट इज अनडाउटेडली अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। इसमें आपको 6 months to 1 year बहुत अच्छी कंप्लायंट थेरेपी रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि आप दरमियान में छोड़ दें और ये हो जाए। अगर आप कंप्लायंस के साथ थेरेपी करोगे तो आई एश्योर यू कि पीसीओएस इज क्योरेबल। ओके, जबरदस्त, थैंक यू सर, दिस इज तो एक स्पेशल टिप थी। अच्छा सर, मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। ये हमसे पूछा गया है कि पिंपल स्कार्स इशू, और उन्होंने पूछा कि रिसेंटली मैरिड एंड मूव्ड टू फैसलाबाद, यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं करता, उसकी वजह से फेस पे पिंपल्स एंड देन पिंपल स्कार्स जो नहीं जाते, काइंडली गार्ड रिगार्ड, काइंडली गाइड रिगार्ड। अच्छा, इसमें ये है कि पानी चेंज की वजह से जो हेयर फॉल भी होता है लोगों को और ये स्किन के, जहाँ तक एक्नी का ताल्लुक है, एक्नी एक बेसिकली मेरी नजर में, बल्कि मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ कि एक्नी पैथोलॉजी की बजाय एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जब भी एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होता है तो उसके हार्मोन्स, एक्नी में हार्मोन्स का बहुत रोल होता है,
उसके जो हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है और उसके साथ साथ सीबम की प्रोडक्शन, सीबम एक ऐसा सब्सटेंस है, फ्लूइड है जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स जो स्किन के अंदर होते हैं वो बनाते हैं। तो इसमें सीबम, ऑयली स्किन और हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस, ये सारी कॉजेज बनती हैं एक्ने वल्गैरिस की। और उसमें फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कितनी कोई मॉडरेट है, सीवियर है, उसमें सर्टन और फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इसमें ये है कि पानी डेफिनेटली उसको थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट तो कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि उसमें आपके इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने ज़्यादा ख्याल ये रखना है कि आपने उसके प्रॉपर टेस्ट्स कराए हैं, आपके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हैं और हर चीज़ है। सोप आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, कोई स्ट्रेस तो नहीं, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक्नी को ऊपर नीचे करने में। तो आपने इस सारी चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और पर्टिकुलर एक अपना डॉक्टर, एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उसकी उसके साथ लाइजॉन रखना है, क्योंकि ये 6 months एटलीस्ट ट्रीटमेंट होता है एक्नी का। ये जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि इवेंचुअली एक्नी का सीक्वल स्कारिंग है और हमारा ये मकसद होता है कि हम उस सीक्वल से बचाएं, स्कारिंग तक नौबत ना आए, क्योंकि अगर एक्ने टाइमली और प्रॉपरली ट्रीट हो जाए तो स्कारिंग बच जाती है, नहीं होती, वरना स्कारिंग हो जाती है, वरना स्कारिंग हो जाती है। अच्छा, और अब मतलब अभी मैं आपकी बात सुन रही हूँ ना, तो वो वाली बात है कि जो लोग इसको मिसट्रीट कर जाते हैं, इसके ऊपर कुछ टोटके लगा लेना, कोई आटा, मैदा, बेसन, और उसके बाद फिर वो उसका खराब हो जाना, तो वो चीज कितनी नुकसानदेह है, ऐसा ही है या? मैं बिल्कुल रोशनी डालना चाहूंगा कि मेरे पास जो मैं हॉस्पिटल में मरीज प्रेजेंट करते हैं उनमें से 75-80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ये टोटके और माल ट्रीटमेंट्स किए होते हैं। किसी ने अपनी मर्जी से बेटनोवेट क्रीम लगाई होती है, किसी ने डर्मोवेट क्रीम, लोग जो है वो डिफरेंट क्रीम्स को मिक्स करके क्रीम लगा लेते हैं और वो फिर बहुत परेशान करती है। हमारी कम्युनिटी में ये चीज बहुत, मुझे तो मैं तो समझा के थक गया उन लोगों को, ये मिक्स क्रीम फॉर्मूलाज, इसमें स्टेरॉइड्स की अब्यूजिंग, स्टेरॉइड्स की अबंडेंस, बजाय एक्ने ठीक, उससे तो एक्ने आपकी 4-fold इंक्रीज हो जाएगी, उससे ठीक। स्टेरॉइड एक ऐसी चीज है, मेरी बात याद रखिएगा, कि फॉर द टाइम बीइंग कोई भी मर्ज, कोई भी बीमारी को स्टेरॉइड ठीक कर देगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन एक्ने जैसी चीज 4-fold इंक्रीज हो के आएगी आफ्टर फ्यू मंथ्स। उस वक्त एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उसके लिए भी चैलेंज बन जाता है। तो आपको एहतियात करनी चाहिए और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट एक चीज का है उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा गाइज, एक चीज मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब इज वेरी काइंड इनफ कि इन्होंने कहा है कि ये अपने कुछ प्रोसीजर्स के लिए ना फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री देंगे, लेकिन वो आप लोग अपने कमेंट्स में हमें बताएंगे कि हमें डॉक्टर साहब से किस चीज की कंसल्टेशन फ्री लेनी चाहिए। तो जिस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना कि इसके लिए आप डॉक्टर साहब को विजिट करना चाहते हैं, या इस प्रॉब्लम के लिए आपको कोई इशू है, सपोज इसमें हेयर फॉल के प्रॉब्लम के लिए हम कर सकते हैं, जो लेजर ट्रीटमेंट होता है बालों का उसके बारे में हम प्रोसेस, उसके प्रोसीजर के बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसा जो जो भी प्रॉब्लम जिसके लिए आप लोगों को लगता है कि हाँ डॉक्टर साहब से फ्री कंसल्टेशन मिलनी चाहिए, आप उसका कमेंट कर दें। जिस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उसका गिव अवे जो है वो अनाउंस कर देंगे, एंड देन यू कैन बुक थ्रू मरहम और हम आपको डॉक्टर साहब के पास भेज देंगे। इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज ये ऐड करना चाह रही थी कि आप इस लाइव सेशन के बारे में, क्योंकि बिकॉज इट्स समथिंग रियली वैल्यूएबल, आप लोग नीचे से इस सेशन को देखते हुए अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट द वैल्यू टू, बिकॉज अब हम जाने लगे हैं एक बड़े खूबसूरत पार्ट की तरफ, एंड दैट इज यू नो हेयर केयर, हेयर फॉल और हेयर की ग्रोथ और इन दोनों चीजों के बारे में। सो सबसे पहले यू नो फॉर द मेन आउट देयर जो हेयर फॉल का शिकार हो रहे हैं, बाल गिरना शुरू हो गए हैं बड़ी यंग एज में, लाइक 24, 23, 26, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो उनके लिए क्या होना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज है जो वो फॉलो कर सकते हैं, लाइक ऐसी कौन सी विटामिंस या क्या जो उनकी हेयर की ग्रोथ को या उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे? जी अस्मा, इसमें ये है कि अनडाउटेडली इट्स अ वेरी कॉमन एंटिटी, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मेल पैटर्न बाल्डनेस। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जेनेटिक्स प्ले अ वाइटल रोल। अब जेनेटिकली अगर किसी फैमिली के अंदर जेनेटिकली मेल पैटर्न बाल्डनेस के जीन्स हैं,
जरूरी नहीं है कि आपके फादर या आपके ब्रदर्स में से ही, ये किसी भी जनरेशन, आपकी तीन चार जनरेशन इस चीज को हमेशा, इस चीज को वो क्वांटिफाई कर रही होती हैं, क्वालिटी इसको दे रही होती हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये चीज माइंड में रखनी है कि ये मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें जेनेटिक्स का सबसे प्रोफाउंड रोल है, जेनेटिक्स के साथ साथ डेफिनेटली स्ट्रेस, टीलोजिन इफ्लूवियम, क्रॉनिक इलनेसेस, ड्रग्स, कुछ जो इंसान किसी और ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट हेयर लॉस हो सकता है, ये सारी फैक्टर्स होते हैं। जो जेनेटिक्स चूंकि सबसे कॉमन फैक्टर है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक थेराप्यूटिक लैडर होती है। ठीक है. लैडर का फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सम ऑरल या टॉपिकल मेडिकेशन, ठीक है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऑरल या टॉपिकल मेडिसिन से उसको ठीक करें, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे डिजीजेस प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस डोमेन से आउट होती हैं। ठीक है. ऐसे डिजीजेस प्रॉब्लम्स में वी हैव टू स्विच टू अ थेरेपी। थेरेपी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द लैडर। उसमें फिर इन इसके लिए आजकल जो बहुत ज्यादा चल रही है, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी और उसके साथ स्टेम सेल थेरेपी। एंड आई हैव द प्रोफाउंड प्राउड आई एम प्राउडली अनाउंसिंग एंड आई हैव द प्राइड टू अनाउंस दैट आर यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इज इंडीड परफॉर्मिंग अ थोरो रिसर्च स्टडी ऑन स्टेम सेल थेरेपी इन मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो जबरदस्त. उसके तकरीबन 80-90% हमारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह वेरी सून वो पब्लिश भी हो जाएगी। एंड आई प्रोफाउंडली अनाउंस दिस थिंग दैट वी हैव अटेंड वेरी गुड रिजल्ट्स एज फार एज स्टेम सेल थेरेपी इज कंसर्न। अब कुछ लोगों ने लिख के वैसे भी लगाया होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी इज अ वेरी बिग प्रोसीजर, इट टेक्स फ्यू डेज। आपने स्टेम सेल्स को कल्चर करना है, उनको लेना है, इसके लिए बहुत बड़ा लेबोरेटरी सेटअप आपको चाहिए, हर चीज आपको चाहिए, तो ये इतना वो नहीं होता। जो प्रॉपर स्टेम सेल हो रहा है वो तो बहुत ही कम हो रहा है यहाँ पे, और हम इंशाल्लाह ताला उसको बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और वेरी सुन हम उसको मार्केट में लेके आएंगे और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के साथ मिक्स करके करेंगे और उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस, दैट इज बेसिकली, दैट वुड बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि देखिए लास्ट रिजॉर्ट हर चीज का सर्जरी होती है। जो थर्ड आपको स्टेप बताना था मैंने थेराप्यूटिक लैडर पे, दैट वाज सर्जरी। अब सर्जरी लास्ट स्टेप होती है हर चीज ठीक में कि है. आप किसी भी चीज की सर्जरी कर दो ना, तो अब बालों के लिए भी मेजोरिटी जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की तरफ जाती है, ट्रांसप्लांट सर्जरी कराती है। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट साबित होगा एंड आई अश्योर यू दिस थिंग। बिल्कुल ठीक है सर, जबरदस्त. अच्छा, जो ये जो मर्द हजरात के लिए पीआरपी ट्रीटमेंट है, ये कितनी देर लेती है? या इसको कराना हो तो पहले चेकअप होता है डॉक्टर साहब से, उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं या तो मेडिसिन से बेहतरी आ जाती है या फिर ये ट्रीटमेंट कराना पड़ता है? इसमें असमा मैं ये बताता चलूं कि डेफिनेटली हमेशा हम पहली लाइन ट्रीटमेंट मेडिसिन को ही मेडिसिन लेते को ही हैं लेते और हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिसिन से ही कैटर करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मेल पैटर्न बाल्डनेस मेडिसिन की डोमेन से थोड़ी डिफरेंट और आउट है, ठीक है. मेडिसिन से मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी डिपेंड करती है कि कितना हेयर लॉस है, हाँ आप क्या अटेन करवाना चाह रहे हो, हाँ उसके अंदाजे से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बताते हैं ठीक है. कि इतने सेशंस रिक्वायर्ड हैं, उसके सेशंस होते हैं और हर सेशन एक दूसरे से 1 month अपार्ट होता है, ठीक थ्री है. वीक्स टू 1 month अपार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द हेयर साइकिल। और उसके साथ साथ हम कुछ हेयर स्टिमुलेंट्स भी देते हैं, मतलब आप उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के साथ मिक्स करके मीजोथेरेपी के थ्रू भी दे सकते हो या आप उसको लहदा से भी दे सकते हो। और ठीक है. अब चूंकि जैसा मैंने स्टेम सेल थेरेपी का बताया है, तो इनशाला इनशाला इट वुड डेफिनेटली प्रूव टू बी अ ब्लॉकबस्टर इन मार्केट। इंशाल्लाह ताला. अच्छा गाइस, वो सब लोग जो पूछ रहे हैं ना अभी के अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सजेस्ट समथिंग फॉर हेयर फॉल ड्यू टू पीसीओएस, तो वो हमने इसको ना इस सेशन के शुरू में कवर कर दिया है. और इसके अलावा हमने एक्नी के बारे में भी बात कर ली है. तो आप जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप ये वीडियो सेव हो जाएगी मरहम के पेज पे, तो आप उसको दोबारा देख सकेंगे. तो वो डिटेल में जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने हार्मोनल इम्बेलेंस या एक्नी को कैसे डील करना है. तो सर थैंक यू सो मच. अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछती हूँ, हेयर ट्रीटमेंट के बारे में हो गया. प्लस ये कि आप लोग अपने कमेंट्स करते रहें कि किस चीज़ के बारे में आपको लगता है कि हमें फ्री कंसल्टेशंस लेनी चाहिए, एट द एंड वी विल अनाउंस इट. तो उसके बाद सर एक हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर और काफ़ी सारा, दैट इज़ अबाउट ड्राई स्किन एंड डैंड्रफ. तो
सर में डेंड्रफ और होल बॉडी पे डेंड्रफ और ड्राई स्किन, और विंटर्स में तो इसका ज़्यादा इशू होता है. सो स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? अस्मा, ड्राई स्किन के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि ड्राई स्किन एक तो जेनेटिकली भी होती है. कुछ लोगों को उनकी जीन्स, उसको पैटर्न ऐसा होता है उनकी स्किन का कि उनकी स्किन जेनेटिकली बाय बर्थ ड्राई होती है. लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं. ठीक है. सेबेशियस ग्लैंड्स का काम होता है सीबम प्रोडक्शन. सीबम एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज्ड रखता है नेचुरली. ठीक है. यानी कि नेचुरल कंटेंट हमारी बॉडी का, हमारी स्किन का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन करता है. अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो इट टर्न्स आउट टू बी एन ऑयली स्किन, राइट? जो एक्नी प्रोन होती है, जो एक्नी पेशेंट्स में कॉमन होती है. अगर वो सीबम प्रोडक्शन कम हो जाए तो दैट कन्वर्ट्स इनटू अ ड्राई स्किन, राइट? और विंटर्स में चूंकि एक तो हमारा वाटर इनटेक बहुत कम होता है, सेकेंडली विंटर्स में ड्राइनेस बहुत ज्यादा इंड्यूस होती है, तो विंटर्स में जितने भी ड्राइनेस के इश्यूज हैं वो एग्रेवेट हो जाते हैं, एग्जैजरेट हो जाते हैं. जितने भी डिजीजेज जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस, ऐसे डिजीजेज जिसमें ऑलरेडी स्केलिंग स्केल्स बन रहे हैं, ये जो यही ड्राइनेस, ये ड्राई स्किन, स्किन के ऊपर ड्राइनेस के तौर पे प्रेजेंट करती है. और बालों में डैंड्रफ. डैंड्रफ भी बेसिकली यही चीज होती है कि आपकी जो सुपरफिशियल स्किन लेयर है जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम हम बोलते हैं. मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि हमारी स्किन में अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है कि ये एवरी 28th डे अपने आप को रिप्लेस करती है. स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सुपरफिशियल मोस्ट लेयर है उसकी शेडिंग होती है, सारी स्किन की शेडिंग होती है, फिर नई स्किन आती है. तो डैंड्रफ में और ऊपर जब इस तरह ये होता है कि ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है ड्यू टू फैक्टर्स, और स्ट्रेटम कॉर्नियम की शेडिंग स्टार्ट हो जाती है जिस जो डैंड्रफ के तौर पे प्रेजेंट करती है. ये बहुत कॉमन इशू है, लोग बहुत ज्यादा बॉदर होते हैं इसकी वजह से, स्किन ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि इससे एक तो इचिंग इंड्यूस होनी शुरू हो जाती है. जब ड्राइनेस होती है तो इट इंड्यूसेस इचिंग. उसमें ये है कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी बॉडी को एडिक्वेटली मॉइस्चराइज्ड रखना है. आपके पास एक प्रॉपर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर हो जो आपकी बॉडी का मॉइस्चराइज्ड रखे. जब आपका मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी ड्राइनेस एंड हो जाएगी. और अगर वो ड्राइनेस किसी स्किन डिजीज की वजह से है, एक तो ये अभी तो मैंने बताया ना कि नेचुरली इस तरह विंटर्स में एग्रेवेट हो जाती है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्किन डिजीज है तो डेफिनेटली आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करें और उसका मशवरा भी लें इसके लिए. बिल्कुल सही है. और इसके अलावा पानी का इंटेक ठीक रखें. पानी का इंटेक तो डेफिनेटली मैंने भी बोला था, स्किन के लिए अच्छा रहता है. मैंने बिल्कुल उसमें बहुत स्किन के लिए उसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक तो मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहता है और बहुत सी डिजीजेस से वैसे ही आप प्रिवेंटेड रहते हैं अगर आपका वाटर इंटेक एडिक्वेट है. बिल्कुल ठीक. और एक चीज मैं वैसे ही पूछ लूं आपसे, जितने भी मेरे लाइफ सेशन होते हैं उनमें सब डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा. हाँ, आप भी उन्हीं में से हैं जो भी करते हैं. उन्हीं में से हूं. स्किन भी अगर आप एक्सरसाइज करें तो अच्छी रहती है. स्किन की एक्सरसाइजेस यही हैं. लेकिन वैसे अगर आप एक्सरसाइज करें तो देखिए, मैं इस वजह से उस पे एम्फसाइज करूंगा, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ. क्यों? इसकी रीजन ये है कि बहुत स्किन डिजीजेस हैं जो स्ट्रेस से एग्रेवेट होते हैं. बहुत स्किन डिजीजेस हैं. ये भी स्ट्रेस से स्ट्रेस हम लोगों को मार के छोड़ेगी, कुछ नहीं बचेगा हमारे पीछे. नहीं, हमारे जहन में होता है ना कि स्किन का यार स्ट्रेस से क्या था. स्किन का स्ट्रेस से. लेकिन ये हेयर फॉल जिसको आप इतना डिस्कस कर रहे हो, एक्नी, दीज ऑल थिंग्स आर एग्रेवेटेड बाय स्ट्रेस. अच्छा, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस तो इतना नहीं हो सकता स्ट्रेस की वजह से, लेकिन हेयर फॉल, एक्नी, ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस होती है. और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आ रही होती है. आपका स्ट्रेस वेलबींग आ रही होती है, आपका स्ट्रेस वॉश आउट हो रहा होता है. तो वो ऑन द मतलब अगर डायरेक्टली नहीं तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली वो भी आपको बेहतर एक्सरसाइज स्किन को भी बेहतर कर रही है. बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा सर जी, एक्नी अमंग टीनएजर्स, हाउ टू डील विद इट फॉर माय ऑल टीनएजर फ्रेंड्स. Actually, I have already told that acne basically starts in the teenage, right? Teenage, जब वो hormones का वो scene सारा शुरू होता है, sebum production, ये चीजें, और फिर super added infection by propionic bacterium acnes, तो acne की induction तो teenage से बेटा start होती है ना सारी. अब उसमें ये होता है कि आपने, मैंने अभी इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है कि आपने acne को start से ही cater करना है और पकड़ने की कोशिश करनी है, ताकि क्योंकि acne का ultimate sequel is scarring.
एंड आर मेन एम इज टू प्रिवेंट दैट स्कारिंग, क्योंकि चेहरे पे डेफिनेटली स्कार्स हो तो वो नहीं अच्छे लगते. हाँ. किसको अच्छा लगते हैं स्कार्स? तो एक्ने को बहुत बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर आप ट्रीट कर लोगे तो डेफिनेटली स्कारिंग जो है वो आपकी निगेट हो जाएगी, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा सर, हमारे से अगला क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि मुझे एक्जिमा है हाथ पर और पाँव पे, बहुत कट्स हैं जिनमें बहुत तकलीफ और इचिंग होती है, उसके लिए कुछ बता दें प्लीज. एक्जिमा बेसिकली जिसको उर्फ में उर्दू में हम चंबल भी कहते हैं, एक्जिमा एक इची कंडीशन है नो डाउट. और अगर मैं उर्दू में एक आसान सी लाइन में बताना चाहूँ अपने सारे सुनने वालों को कि एक्जिमा क्या है, तो एक्जिमा दो तरह का होता है. ठीक है. एक एक्सोजेनस जो बाहर की किसी चीज से हो रहा है, एक एंडोजेनस जो आपके बॉडी के अंदर से बन रहा है. ठीक है. एक्सोजेनस एक्जिमा जो बाहर से नाम से जाहिर है कि बाहर कोई चीज लगी, जैसे लेट सपोज कि आपको एक इंसान है वो जूतों का काम कर रहा है, एक इंसान है वो किसी प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक मजदूर है जो सीमेंट से काम कर रहा है, उनकी बॉडी ने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस चीज को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया. तो जिस जिस चीज पे बार बार टच हो रहा है, वो जैसे सीमेंट वर्कर है या जो प्लास्टिक्स वर्कर, उनके हाथों पे हैंड एक्जिमा कॉमन होता है. कुछ लोगों को जूतों का मटेरियल सूट नहीं कर रहा होता, उनको शू एक्जिमा हो जाता है, पाँव पे हो जाता है. ठीक है. तो एक्सोजेनस एक्जिमा वो होता है जो बाहर किसी चीज की एक्सेप्टेंस आपकी बॉडी खत्म कर देती है और वो रिएक्ट कर जाती है उस चीज को, उस रिएक्शन को एक्जिमा. ये मैं उर्दू में बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ. एंडोजेनस एक्जिमा वो होता है जैसे जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस हुई, आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपके इम्यून सेल्स आपके अपने अगेंस्ट हो गए, तो वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं एक्जिमा के तौर पे. तो एक्जिमा में इचिंग बहुत ज्यादा होती है और डेफिनेटली आप इसका ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे स्टेरॉइड्स की बात आ जाती है, लेकिन आपने स्टेरॉइड अब्यूज कभी भी नहीं करना. जब भी स्टेरॉइड आपने इस्तेमाल करना है डॉक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ मशवरे के बाद इस्तेमाल करना है. ठीक है. कि कौन, क्योंकि स्टेरॉइड्स की बहुत किस्में हैं, पोटेंट कहाँ पे करने हैं आपने, मॉडरेट कहाँ पे करने हैं, हाई पोटेंट कहाँ पे करने हैं, या आपका कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सर. अच्छा गाइज, अभी इस लाइव सेशन में हम एक ये भी चीज करेंगे, आप लोग जिस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स करेंगे हम उसके बारे में डॉक्टर साहब के साथ फ्री कंसल्टेशन गिव अवे देंगे. And we'll book your consultation with him. तो वो आप लोग एक दफ़ा करते रहें. This is for those guys जिन्होंने अभी हमारा live session join किया है. दूसरा मैं बताती चलूँ कि अभी तक के live session में हमने hormonal imbalance और PCOS में जो problems आते हैं उसको cover कर लिया है, acne को cover कर लिया है, dry skin और dandruff को cover कर लिया है, hair fall को cover कर लिया है, और उसके अलावा एक्जिमा को कवर कर लिया है. तो अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस थे तो जैसे ही अभी ये लाइव सेशन एंड अप होगा आप इन सवालों को इनके आंसर्स जो हैं वो इस प्रोग्राम में देख सकेंगे. अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि डार्क लिप्स का प्रॉब्लम है, तो उसका एक छोटा सा क्विक सा आप बता दें. डार्क लिप्स, एक डार्क लिप्स के बारे में आया हुआ है और एक वो डार्क सर्कल्स के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. इसमें भी सबसे पहली चीज तो जेनेटिक्स है जी, जेनेटिक्स. फिर आपने फैक्टर्स सारे आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे डार्क लिप्स स्मोकिंग की वजह से तो नहीं है. ठीक है. डार्क सर्कल्स स्लीपलेसनेस और स्ट्रेस की वजह से तो नहीं है. सबसे पहले आपने उस चीज के कॉज को रूल आउट करके कॉज को निगेट करना है. ठीक है. आपने उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से एग्जिट करवाना है. ठीक है. पहला स्टेप तो हमेशा ये होता है कि जिस चीज की, जिस प्रेजेंटेशन की जो कॉज होती है आपने उसको रिमूव कर रहा है, रिमूवल ऑफ द कॉज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद जब ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं तो लिप्स के लिए वी हैव सर्टेन लेजर्स जिसपे हम, जिससे लिप्स के पिगमेंटेशन को हम कम कर सकते हैं. ठीक है. और कुछ टैटूइंग हो सकती है, उस वो परमानेंट एक कलर हम दे देते हैं लिप को जिससे वो डार्कनिंग उसकी कम हो जाती है. ठीक है. ठीक है. इसी तरह एक्ने की, इसका आई सर्कल्स की तरफ अगर हम आए तो आई सर्कल्स में ये है कि वी हैव मेनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज. उसमें हम PRP भी कर सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी. उसमें एक बहुत अच्छी थेरेपी आजकल आई हुई है जिसको कार्बोक्सी थेरेपी कहते हैं, हम वो कर सकते हैं. ठीक है. फिलर्स कर सकते हैं. ये सारी चीजें हैं जो हम आए, इवन माइक्रो नीडलिंग, बहुत लो लेवल पे माइक्रो नीडलिंग विद टॉपिकल एनेस्थीजिया हम कर सकते हैं, उससे आई सर्कल्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं. ठीक है. अभी एक्चुअली गाइस मैंने अनाउंस किया था लेकिन आप लोगों ने फिर पूछा है PCOS, एक्ने स्कार्स,
हेयर फॉल, और अभी जैसे साजिदा आपने पूछा है कि उनके बाल तेजी से गिर रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स उनके बाल बहुत कम हो गए हैं, एनी ट्रीटमेंट? तो गाइज ये अभी अभी हमने ना इस सेशन में कवर किया है, जैसे ही सेशन खत्म होगा आपने इस वीडियो को जरूर दोबारा देखना है, क्योंकि इट विल हेल्प, इस पर काफी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। और इस सेशन में आप लोगों को मे भी लग रहा हो कि हम थोड़े से डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज के दिस इज द रियल ऑथेंटिक सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके अलावा स्किन के प्रॉब्लम्स को कोई भी और तरीके से आप फिक्स शायद नहीं कर सकते। और स्कार्स वगैरह के लिए भी पूछा था किसी ने, शायद आप बता रही थी। हाँ हाँ, स्कार्स, एक्नी स्कार्स के बारे में पूछा है तो वो हमने बताया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, डिसकलरेशन का बताएं प्लीज। डिसकलरेशन, डिस्कलरेशन किस चीज की? डिस्कलरेशन किस चीज की, ये जिन्होंने सवाल पूछा वो प्लीज ये बता दें, ये एलैबोरेट कीजिए, डिस्कलरेशन किस चीज के लिए? अच्छा सर, उसके बाद आई एम हैविंग एक्ने फॉर सो लॉन्ग बट नाउ आई आल्सो हैव थायराइड इशू ड्यू टू व्हिच हार्मोन्स आर इंबैलेंस्ड, कैन यू प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू? छोटा सा क्विक आंसर। इसमें ये है कि सबसे पहले हार्मोनल एसे, पूरा हार्मोन्स का आपने एसे कराना है, सारे हार्मोन्स के टेस्ट कराने हैं, आपने PCOS को रूल आउट करना है, आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना है, सिस्टिक ओवरीज देखनी है, और उसके बाद थायराइड। डेफिनेटली हार्मोन्स का जब इश्यू होता है तो एक हार्मोन्स दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अंदर से इंटरलिंक्ड हैं। तो आपने सारे हार्मोन्स हार्मोनल एसेस करा के उन हार्मोन्स का जब आप ट्रीटमेंट करोगे और साइमल्टेनियस एक्ने का ट्रीटमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आई अश्योर यू दैट इंशाल्लाह यू विल गेट रिड ऑफ योर एक्ने। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी कैन आल्सो बी डन फॉर लेडीज? प्लाज्मा थेरेपी इज वेरी सेफ, बिकॉज देखें प्लाज्मा थेरेपी जो है ये लोकल थेरेपी है, इसका इफेक्ट बहुत लोकल है। लाइक अगर आपने स्कार्स के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए करनी है तो वो लोकली एक्ने स्कार्स को इफेक्ट करेगी। अगर आपने बालों के लिए करनी है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये इतनी इफेक्टिव थेरेपी है कि अगर आप वूंड, एक वूंड है, एक जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसमें इंजेक्ट करें तो वो जख्म ठीक हो जाता है जल्दी। ये इतनी इफेक्टिव थेरेपी है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो व्हाइट सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतने ग्रोथ फैक्टर्स रखे हुए हैं, हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। उन ग्रोथ फैक्टर्स ने सारा काम करना है, हमने उस ब्लड से प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करके उस जगह पे जहां हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है वहां पे इंजेक्ट करना है, तो ऑफ कोर्स वी गेट द रिजल्ट। और गाइस, मैं अभी यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने बुक करानी है ना अपॉइंटमेंट डॉक्टर उमर से फॉर दीज थेरेपीज या कोई भी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैंने ये यहाँ पे अभी URL पोस्ट किया है, और ये मैं URL पिन भी कर देती हूँ, तो उससे ये होगा कि आप लोग अभी के अभी इनसे अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। ये मैंने पिन कर दिया है कॉमेंट, तो आप लोग देख लीजिएगा, इनके प्रोफाइल है, उसके ऊपर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी है, बुकिंग कराने का तरीका भी लिखा हुआ है, तो यू कैन इवन कि उसमें आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप अपने ये तो अपॉइंटमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें, दूसरा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो जब आप चूज करेंगे ना चुगताई मेडिकल सेंटर, तो वो आपने सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी कि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो अगर अपॉइंटमेंट लेनी होगी तो आपने वो वाला फॉर्म फिल कर देना है, अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो वाला फॉर्म फिल कर देना, तो वी विल रिस्पॉन्ड बैक ऑन दिस एज वेल। तो ये भी चीज़ मैंने कहा मैं बताती चलूँ साथ साथ। उसके बाद सर हमारे पास, अच्छा एक चीज़ जो छोटे बच्चों के स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, गर्दन पे दाने निकल आते हैं, रैशेज हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए कोई एक छोटी सी टिप फॉर मदर्स? छोटे बच्चों में एक तो सबसे पहली चीज़ तो एज, के बच्चे की एज क्या है, क्योंकि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो बच्चा माँ के पेट से लेके आता है और वो अल्लाह ताला कुदरती तौर पर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, ठीक है, खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें डेफिनेटली आपको थेरेपी की जरूरत होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लीजन, रैश किस तरह का है, ठीक है, पस फेल्ट है, दाना है, छाला है, क्या है, ठीक, उसके लिए आप कंसल्ट, बिल्कुल कंसल्टेशन लें और इंशाल्लाह ताला उसके बाद उसको फिक्स एड्रेस, इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं एक चीज, आप मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्यूटी क्रीम्स के साइड इफेक्ट्स। ब्यूटी क्रीम्स, वेल ये चीज मैं आप लोगों को आज एक बताता चलूंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन पूछा, ब्यूटी क्रीम्स बहुत ज्यादा इन फैशन है हमारी सोसाइटी में, फायजा ब्यूटी क्रीम, ड्यू, वट एवर, मुझे तो पता नहीं कई हैं, नाम भी शायद पूरे ना आते हों। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कोई भी चीज़ जो फ़ौरन आपकी स्किन को ग्लो दे देती है, फ़ौरन से पहले आप कहते हो कि मुझे चंद ही दिनों में मेरी तो स्किन ग्लो करना शुरू हो गया, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो स्टेरॉयड है, वो स्टेरॉयड है।
स्टीरॉयड जब दरियाफ्त हुआ था आज से कई सौ साल पहले, तो इट वॉज अ मिरेकुलस ड्रग. इट वॉज नोन एज अ मिरेकुलस ड्रग. ये एक मिरेकुलस, ये आज तक मिरेकुलस ड्रग है, क्योंकि कई डिजीज में ये लाइफ सेविंग और जिंदगी बचा लेती है. लेकिन इसका अब्यूज होना शुरू हो गया, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे जो कमर्शियल ब्रांड्स हैं, ये गोल्डन पर्ल, कई कमर्शियल ब्रांड्स हैं, इन्होंने एम्पल अमाउंट में स्टीरॉयड डाला होता है. अब मैं आपको आज एक चीज बताता चलूं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और ये आप नोट कीजिएगा. शुरू शुरू में नहीं आते, लेकिन तीन चार माह बाद या इवन कभी कभी एक आध साल बाद हेयर ग्रोथ, ये जो चेहरे पे इतने ज्यादा बाल आ जाते हैं ना, इसमें स्टीरॉयड्स का रोल है. एक्नी फॉर्म इरप्शन स्टीरॉयड्स का रोल है. रेड रेड टेलेंजियोक्टेसिस, जो लाल लाल जिनको कहते हैं लाल लाल नाड़े सी नजर आने शुरू, स्टेरॉइड्स का रोल है. स्किन थिन हो जाती है, स्टेरॉइड्स का रोल है. स्किन में स्ट्राया बन जाते हैं, स्ट्राया वो जो निशान होते हैं ना बड़े बड़े से, जिनको स्ट्राया डिस्टेंसी कहते हैं, वो स्टेरॉइड्स का रोल है. अब इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारे पास टाइम कम है, और इसके साइड इफेक्ट्स, अगर आप इसका अब्यूज करना शुरू कर दोगे, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट. ये जो टेम्परेरी से ग्लो आता है, इसके पीछे मत जाएं खुदारा, और एक परमानेंट जो डैमेज है उसे बचाएं. बिल्कुल ठीक. और ऑलवेज 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 किसी पढ़े लिखे बंदे, किसी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा करें. बिल्कुल सही, थैंक यू सर. अच्छा सर, एक चीज और आई हुई है, जीएनसी मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताएं. देखिए, जीएनसी जो है दैट इज बेसिकली हर्बल. ये अमेरिकन हर्बल प्रोडक्ट्स हैं. हम लोग चूंकि इतना हर्बल का हमें इतना वो नहीं होता, हम लोग तो रिसर्च मॉलिक्यूल्स के पीछे जाते हैं. हमारी जो एक एक ड्रग होती है उसके पीछे 100-100 साल की रिसर्च होती है, और उसमें कई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद एक चीज मार्केट में लॉन्च होती है. तो हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं इतना नहीं बता सकता. हाँ, लेकिन अगर कुछ मिनरल्स हैं और ये हैं तो वो ठीक है किसी हद तक. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जबरदस्त है. अच्छा सर, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ वार्ट्स एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ अदर देन कॉटरी एंड द नाइट्रोजन ट्रीटमेंट. देखिए, वार्ट्स अगर तो वाकई वार्ट्स हैं तो वार्ट इज ऑलवेज वायरल, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. अच्छा, वार्ट्स और हर्पीज दोनों वायरल हैं? वार्ट्स हर्पीज, तो देखिए वायरस वायरल इन्फेक्शंस मोर देन 100, देयर आर मोर देन 100 वायरल इन्फेक्शंस. चिकन पॉक्स भी एक वायरल इन्फेक्शन, हर्पीस भी एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि लेकिन हर्पीस आता है छालों की सूरत में. जैसे ज्यादातर आ जाता है मुंह के अंदर, बन जाते हैं एंगल ऑफ माउथ पे, बन जाते हैं, किसी रिकरेंट्स होती रहती है. इम्यूनो सप्रेशन, किसी इंसान का अगर इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा लो है तो उसमें कॉमनली है. ठीक है. ऐसे जो वॉट्स हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरल इन्फेक्शन होती है. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ वायरस दैट कॉजेज वॉट्स. ठीक है. इट इज वेरी पेनफुल, और ज्यादातर आता है हाथों के ऊपर या पैरों के ऊपर आता है वो ज्यादातर. ठीक है. कभी कभी जेनिटल्स पे भी आता है. उसमें ये है कि उसकी डिस्ट्रक्टिव थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी. ठीक है. कोई ओरल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है कि आप ओरली खाओ और वॉट्स खत्म हो जाए. वॉट्स की हमेशा आपने डिस्ट्रक्शन करनी है, और उसमें क्रायो, अगर आप पेन की वजह से क्रायो कॉटरी को कह रहे हो कि अदर देन दिस, तो उसमें आप लोकल एनेस्थेटिक लेके क्रायोथेरेपी, जो लिक्विड नाइट्रोजन जैसे आपने कहा, और कॉटरी, ये बेस्ट. कॉटरी इज अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे आप एक्सपीरियंस पे जाते हो तो अल्टीमेट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वॉट्स इज कॉटरी. लेकिन कॉटरी के साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर चीज के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी प्रिवेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करो. ठीक है. उसकी प्रिवेंशन आपने कैसे करनी है, वो वायरस है डेफिनेटली, आप अपना जूता अपनी चीजें सेपरेट करो, आप शेयरिंग चीजों की कम करो, ये चीजें प्रिवेंशन में भी आप इस पे भी तवज्जो दो. ठीक है सर. उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा उन्होंने एक, मैं आपसे एक मिनट क्वेश्चन पूछती हूँ. यहाँ पर एलोपेशिया इसके बारे में थोड़ा सा बता दें. एलोपेशिया इज हेयर लॉस. अच्छा, एलोपेशिया हेयर लॉस की डर्मेटोलॉजिकल टर्म जो है. तो फिर मैम, इसके बारे में भी हमने कवर करा दिया है. इनके प्रोसीजर्स के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने अभी ऊपर उनका URL पोस्ट किया है, आपने चुताई मेडिकल सेंटर सेलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन में जाकर पूछ लेना है, तो वी विल गिव अवे द आंसर. इसके अलावा ये है कि हम इसको, इस लाइव सेशन को भी रैप अप करते हैं, और फिर आप लोगों के सारे कमेंट्स जो हैं वो एक दफ़ा रिव्यू करके तो वी विल अनाउंस द गिव अवे. तो आप लोगों ने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है. सर, एक लास्ट मैसेज आपका हमारी ऑडियंस के लिए, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग यू हियर,
तो एक मैसेज एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ टीचर ऑफ डर्मेटोलॉजी, के क्या लोगों को ख्याल करना चाहिए? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई लव यू ऑल. अल्लाह ताला दो इट्स माय प्रोफेशन, मैं हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ होता हूँ कि कम से कम मसला हो और अल्लाह ताला सबको बचा के रखे. लेकिन चूंकि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, तो आप लोग जो हैं, जितने भी मैंने अब इतने टाइम स्पैन में मैं जितना बेहतर तरीके से प्रिवेंशन पे एक आपको बता सकता था, मैंने बताने की कोशिश की. आप लोगों ने हर चीज की प्रिवेंशन पे बहुत तवज्जो देनी है. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जिस जिस डिजीज के जो जो हैं उनको अवॉइड रखना है, और जब भी कोई मसला हो फौरन एक दफ़ा ज़रूर कंसल्टेशन लें किसी अच्छे कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से. खुद मेडिसिंस का अब्यूज ना करें, टोटकों का अब्यूज ना करें. ये एक अच्छा वर्ड है, आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं बोला, आपने मेडिकल अब्यूज बोला. ये अब्यूजिंग है. आपने बॉडी को खुद आप अब्यूज कर रहे होते हो ना. अब आपको नहीं पता कि आप स्टेरॉइड मुंह पे लगाई जा रहे हो, रैम्पल अमाउंट में लगाओ, इट्स बेसिकली अब्यूजिंग, यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी. तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है. ये फेयर एंड लवली बीबी क्रीम में भी स्टेरॉइड्स तो नहीं होती, मैंने भी लगाई हुई है. उसमें कम होता है, उसमें कम होता है, लेकिन बाकी वाइटनिंग में बहुत. मैंने कहा मैंने लगा के बैठी हुई हूँ अभी. तो इसमें मेरा तो मेरे बहुत प्यारी लाइव ऑडियंस को यही पैगाम है कि आप इस अब्यूजिंग से बचो. और कोई भी इशू होता है तो ऑलवेज किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो. रिगार्डिंग मी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस. और मेरा इन्होंने शेयर कर दिया सारा. मैं मैकिंग एडवर्ड में भी होता हूँ, मैं DHA में भी होता हूँ. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल. और मैं ये बताता चलूँ बात के और कुछ हो ना हो, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ बहुत 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 ज़्यादा लॉयल और सिंसियर होता हूँ. और मेरा ये प्रैक्टिस और मेरी डर्माटोलॉजी का मोटो सिर्फ एक है, एथिकल प्रैक्टिस. मैं बहुत एथिकल प्रैक्टिस करता हूँ और एथिकल मशवरा देता हूँ. और सबसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, चले अब हम सेशन एंड कर रहे हैं, मैं बताती चलूँ कि हमारा जो फेसबुक की कम्युनिटी है, जो फेसबुक का ग्रुप है, उसके ऊपर लोग क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं. लेकिन ये अभी इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता, कभी कभी होता है कि कोई यूज़र जो है वो खुद आकर किसी डॉक्टर के बारे में एक रिव्यू पोस्ट करें. तो वो वहाँ पर भी डॉक्टर साहब के बारे में एक रिव्यू पोस्ट किया गया कि हाउ हैप्पी दे वर विद योर यू नो हेल्प. और सो इवन थैंक यू फॉर दैट कि आप ग्रुप के ऊपर भी लोगों को हेल्प आउट करते हैं और यहाँ पर भी. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.